इस पाने की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है, मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था, पर मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है, और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दें, तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कालू की बहुत याद आ रही होगी ना, वैसे भी हम वहां जा ही रहे हैं, आपको वहां तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना। बेचारा बालवीर। हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ, चलिए। बालवीर, ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैंने इनका बच्चा वापस करने वाला हूं, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास, ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है भाटर। रुको, क्या हुआ टिम्मी अंडी? ये क्या बचकानी हरकत है, खिलौना है ये।
खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था? एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है? कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मुझे मेरा बच्चा दे दे, तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तेरे मुझे मेरा बच्चा दे। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू, मुझे मेरा बच्चा दे दे। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको! देती हूँ तुम्हारा बच्चा। Thank you.
माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। टिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। टिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूड़ी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आजम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए महारानी को तेल लगा के। पानी के लौटते धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना तो वो तिमनासा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से नादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी विवान। हाँ, ये ले पानी पी। मना किया था तुझे बाहर निकलने से, तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चल पानी आया नहीं, ये वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखा ना, पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल करो। जल ही जीवन है बेटा, अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी सॉरी करूँ आंटी, वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है, और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। यू पार्टनर, पार्टनर बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चिंत, माँ की बहुत याद आ रही है। मस्ती भरी बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी।
हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घने क्यों ना, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूं मस्ती भरी। बालवीर उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूं मैं मस्ती भरी, तंग आ गया हूं माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं। मैं समझ सकता हूं बालवीर, वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य, मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चतुर्कूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो कालपरी को बालपरी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में। वाओ, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा, गोपू द ग्रेट की या खुशी दीदी की टीम में? हाँ विवान, जल्दी बोल, आज तू गोपू की टीम में होगा या अपनी दीदी की टीम में? डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं, जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया, चलो पकड़ो मुझे। भैया, क्या अभी वही सोच रहे हो जो मैं सोचनी हूँ? हाँ चिंटी, अब जब तक विवान सौ बार प्लीज नहीं बोलेगा ना, तब तक हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। सिर्फ प्लीज नहीं, सौ बार उससे सॉरी भी बुलवाएंगे और फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ चिंटी, जब भी वो ओवर स्मार्ट बनेगा ना, तो हम उसको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मस्त आइडिया है ना। जब तक बेल्टन को पता चलेगा कि मैं चोर पुलिस है, तो छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हो, तब तक तो मैं वीर लोक से वापस आ ही जाऊंगा। शौर्य, मैं हिमसार ग्रह के लिए अभी निकलता। पाटिल एक मिनट। विवान, तुम यहाँ अचानक कैसे? शेर सर, पाटिल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी शक्तियों से अब क्या शरारत कर दी तुमने? पाटिल, शक्तियों के बारे में बात करने आया मैं। हम लोगों ने मुझे बालवीर बना दिया, लेकिन बालवीर की शक्तियों के नाम पर मुझे सिर्फ लुक, चल अचल, बुद्धि, पाश, तीर मूर्ति और परोपकारी जादू दिया है। तो तुम चाहते क्या हो विवान? यही कि जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियां पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ दे दी जाए। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर यह फैसला होगा कि विवान को एक साथ पूरी शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं। मेरा फैसला ना। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.